अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। हेलो दोस्तों, मैं विकी सिंह टेक्नोवी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कुछ दिनों से दोस्तों मैं टेक न्यूज़ नहीं दे पा रहा था क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि पंजाब में हालात कुछ सही नहीं थे, पंजाब और चंडीगढ़ हरियाणा की तरफ। तो उस वजह से वैसे हमारे एरिया में बिल्कुल सही थे, पंजाब में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, ज़्यादा हरियाणा और चंडीगढ़ की तरफ थी, पंचकूला की साइड। तो उस वजह से पंजाब से लेके चंडीगढ़ शायद हरियाणा में भी कुछ एरियाज में इंटरनेट वगैरह सब कुछ बंद था। सो उस वजह से प्रॉब्लम थी कि हम टेक न्यूज़ नहीं दे पाए। सो चलिए दोस्तों, देर है दुरुस्त है, आज शुरू करते हैं कुछ लेटेस्ट टेक न्यूज़। टेक न्यूज़ बहुत सारी हो गई है जमा, पर हम मेन हेडलाइंस बताएंगे जिससे आप लोगों को भी पसंद आए और आप लोगों की जो मेन हो जिससे आप लोगों को फायदा हो वो टेक न्यूज़ बताऊंगा। सो चलिए शुरू करते हैं आज कुछ लेटेस्ट टेक न्यूज़। पहली टेक न्यूज दोस्तों, इंडिया और चाइना में दोनों में आपस में समझौता हो गया है, सब सही है, दोनों की जो आर्मीज थी फौजें थी वो अब पीछे हट गई हैं, मतलब ठीक है, अब व्यापार वगैरह सब सही चलेगा। तो पहले ही चाइनीज की टेक न्यूज ही बताएंगे। चाइना की तरफ से Xiaomi 4A फोन्स काफी ज्यादा बिका, काफी पसंद भी था लोगों को, जो था 6999 मतलब 7000 का। उसका एक नया वेरियंट आ रहा है जो कि इंडियन मार्केट में आने वाला है, जिसमें कि रैम भी अब 3GB हो गई है और जो इंटरनल मेमोरी थी वो भी 32GB तक की हो गई है। तो अब ये फोन हमें जल्दी से देखने को मिल सकता है, तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं और कम बजट वाला फोन लेना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही है आप लोगों के लिए। सो देखते हैं जब ये फोन आएगा तो आप लोगों को किस तरह का लगता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली टेक न्यूज की तरफ। अगली टेक न्यूज भी दोस्तों वो भी Xiaomi की तरफ से आ रही है, Xiaomi Mi 5X सीरीज वाला फोन। जो X सीरीज वाले फोन आ रहे हैं Mi के, वो अब हमें 5th of September को शायद से वो इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकता है, आपको देखने को मिल सकता है इंडियन मार्केट में 5th September को। तो जो लोग बेसब्री से वेट कर रहे थे मेरे जैसे, तो दिल थाम के बैठिए, फोन लॉन्च होने वाला है X सीरीज वाले। ये काफ़ी डिफरेंट होंगे, वन प्लस 5 तरह के देखने को, एप्पल आईफोन 7 की तरह देखने को लुक है, और ये वीवो और ओप्पो जैसे फ़ोनों को ज़बरदस्त चुनौती देगा ये फ़ोन। तो देखते हैं किस तरह का ये फ़ोन होता है और क्या क्या लेटेस्ट फीचर्स के साथ ये फ़ोन आता है। अगली टेक न्यूज़ दोस्तों जो कि LG की तरफ से आ रही है, LG का Q6 फ़ोन लॉन्च हुआ था, अब Q6 प्लस फ़ोन भी आने वाला है। वैसे मैं आपको अपनी बात बताऊं तो फ्राइडे को हम लोग ये फ़ोन देखने गए थे, काफ़ी हम बाज़ार घूमे जलंधर के, तो LG का तो भाई Q6 मिला ही नहीं। और कईयों ने मतलब एक दो दुकानदार ऐसे वो कह रहे थे कि आपको लेना है तो आप हमें बुक करा दीजिए, थोड़ा बहुत पैसा दे दीजिए, हम आपको ये फ़ोन ला देंगे। मतलब ऑनलाइन बुकिंग वाला सिस्टम हो गया कि हम आपको बुक करा के मंगा देंगे। मतलब हमें देखने के लिए एक फ़ोन कहीं नहीं मिला, मतलब लगता है जलंधर में इतनी अच्छी मार्केट नहीं है LG की। पर फोन वैसे बहुत अच्छा है ये फ़ोन, मैंने इसका खुद देखा है, इसके वीडियोस वगैरह चेक किए हैं, और जब मैं ग्वालियर गया था वहाँ पे मेरे एक फ्रेंड के पास था तो मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा था। तो दोस्तों बात ये होगी कि Q6 और Q6 प्लस जो फ़ोन है LG के, दोनों देखने को एक जैसे होंगे, बट इनमें जो रैम और इंटरनल मेमोरी उनका फ़र्क होगा। जो LG Q6 है उसकी रैम है 3GB रैम है और 32GB इंटरनल स्टोरेज है, और जो Q6 प्लस होगा उसकी होगी 64GB इंटरनल और 4GB रैम के साथ ये फ़ोन आएगा। तो फ़ोन तो अच्छा है, अब देखते हैं ये शायद जलंधर में जब आए तो मैं आपको इसके शायद रिव्यू वगैरह जल्दी दे सकूं। तो मेरी तरफ से तो फ़ोन अच्छा है, बाकी आप लोगों पे कि आप लोग। और माइक्रोमैक्स का भी ऐसा ही फ़ोन है इन्फिनिटी, वो भी मेरे हिसाब से भी मार्केट, वो भी मार्केट में अभी नहीं आया, वो भी हमने देखा था पर नहीं मिला हमें मार्केट में। तो वो भी इस तरह का ही है देखने में, तो पर लेकिन यार एक कंपनी का तो फ़र्क होगा और बाकी क्वालिटी का भी फ़र्क होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली टेक न्यूज़ की तरफ। अगली टेक न्यूज़ दोस्तों जो कि आ रही है सारा ऐप की तरफ से, ये ऐप अभी आया है इंडियन मार्केट में, काफ़ी ज़्यादा धूम मचा रहा है। ऐसा क्यों होता है कि फॉरेन के ऐप आते हैं वो इंडिया में धूम मचा देते हैं, और हम लोगों को यार कोई ऐप इतना ज़्यादा, चलो देखेंगे जब हमारी ऐप भी आएगी हम उसको ज़रूर सपोर्ट करेंगे क्योंकि अपनी चीज़ अपनी होती है। तो ये ऐप आया था, इसमें क्या था फीचर कि आप किसी को अपने फ्रेंड को किसी को मैसेज भेजेंगे तो आपका नाम वगैरह कुछ नहीं, वो सब कुछ खुफिया रखा जाएगा, सीक्रेट रखा जाएगा, बस आपका मैसेज पहुंच जाएगा, मतलब कुछ भी। मैंने दोस्तों पहले दिन ये यूज़ किया, मैं तो अनस्टॉक किया क्योंकि मेरे को मैसेज इस तरह के आ रहे थे, आपकी शादी हो गई है, ये आपकी गर्लफ्रेंड वगैरह, ऐसा मतलब मैसेज आ रहे थे तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो इस करके मैंने तो बिल्कुल ही अनइंस्टॉल कर दिया क्योंकि यार पता लगता नहीं। पर लेकिन अब क्या होगा कि अब जो इसका नया अपडेट आया है उसमें आपका नंबर या आपका जो नाम होगा वो शो हो जाएगा दूसरे बंदे को, मतलब जो जिसको आप ये मैसेज, अगर आप कोई मेरे को मैसेज भेजेगा तो उसका नाम मेरे को शो हो जाएगा या उसका नंबर वगैरह मेरे को शो हो जाएगा, तो अब ये खुफिया नहीं रहेगी। तो अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगली टेक न्यूज़ दोस्तों वो भी Xiaomi की तरफ से आ रही है, ये थोड़ा आप ध्यान से सुनिए क्योंकि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं और काफ़ी सारे फॉलोअर्स भी हैं जो मेरे को मैसेज करते रहते हैं, उनके पास Mi के फ़ोन्स हैं, तो मेरे को बहुत देर से मैसेजेस आ रहे थे, कईयों के आ गया था अपडेट, कईयों के नहीं आया था। तो मैं ये आपको डिटेल में समझाऊंगा, इस करके मैं फ़ोन भी यूज़ करूँगा कि मैं आपको समझा सकूँ अच्छी तरह कि इस फ़ोन में मतलब क्या क्या अपडेट्स आए हैं।
तो देखिए दोस्तों, MIUI 9 का जो अपडेट आया था अब तक जो आ चुका है, वो Redmi Note 3, MI 3, MI 4, Redmi 3S, Redmi 3S Prime इन हैंडसेट्स में आ चुका है। हाँ सही बात है, मेरे दोस्त के पास Redmi 3S Prime है, तो उसके तो मेरे को लगता है 2 महीने पहले ही आ गया था, तो अभी तक मैं देखा था मेरे फ़ोन में नहीं आया। मेरे पास Xiaomi MI 5 है। तो अब मैं आपको बता दूँ कि जो ये है अब अपडेट, ये अब जो फ़ोनों में आएगा वो होंगे MI 6, Xiaomi MI 6 में तो ये आउट ऑफ बॉक्स है ही, और जो 5X इसका नया लेटेस्ट आने वाला है उसमें भी आउट ऑफ बॉक्स ये मिलेगा MIUI 9। पर अब जो ये बाकी जो फोन्स बच गए हैं उन फोन्स में MI Mi Max, MI Note 2, MI 5, MI 5S, MI 5S Plus, Mi Max 2, Mi Max, Redmi 4, Redmi 4X, इन फोन्स में ये अब अपडेट आने वाला है। इसमें Redmi Note 4 का नाम नहीं आया और Redmi 4A का नाम नहीं आया, तो अभी इनमें तो नहीं आएगा, बाकी जिनका मैंने नाम लिया है इन सब में अपडेट आने वाला है MIUI 9 का, कन्फर्म है। ठीक है दोस्तों, अगर फिर भी आप लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन है जहाँ, तो मेरे को जरूर नीचे वीडियो के नीचे जरूर मैसेज कीजिएगा। अगली टेक न्यूज दोस्तों जो कि आ रही है Amazon की तरफ से, Amazon पर Apple Feast नाम की सेल लगी है, जिसमें Apple iPhone 7, iPhone 6, iPhone SE जैसे फोन सस्ते रेट पे मिल रहे हैं, सस्ते से ज्यादा 1000 रुपये कम होंगे। तो अगर आप लोगों को यह सही लगता है तो Amazon पे जरूर जाइएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग ऑफलाइन मार्केट में जाएंगे, मतलब कोई भी नियर बाय किसी भी Apple स्टोर में, तो आप लोगों को वैसे भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा, तो वो आप पर है कि आप लोगों को क्या ये डिस्काउंट सही लगता है Amazon का या नहीं। तो बढ़ते हैं अगली टेक न्यूज की तरफ। अगली टेक न्यूज दोस्तों जो कि आ रही है फिर से Apple की तरफ से, Apple का जो iPhone 8 होगा दोस्तों, काफी बेसब्री से वैसे वेट कर रहे हैं सब लोग इस फोन की, अभी फोन आया नहीं, बट इसकी जो प्राइस होगी वो होगी 64,000 से स्टार्टिंग। इंडिया की जो रेट होगा वो होगा 64,000 से, सो 64,000 हमारे लिए तो बहुत है, पर बाहर के जो फॉरनर्स हैं उनके लिए क्या है, $1,000 ही तो है, $1,000। हाँ वैसे लोग कहते हैं कि $1,000 कमाना बहुत मुश्किल है, पर देखिए यार, अगर आपको एक घंटे में $8 या $10 आप कमाते हो तो $1,000, और यहाँ पे तो अगर हम यहाँ पे भी कमाएंगे तो 1,000 रुपये के बराबर ही हुआ, वही बात है। सो मैं इन चीज़ों से आपको, वैसे तो मैं, मेरा मेन मकसद ये है कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि जो बाहर फॉरनर्स के लिए चलो सही है, वो ले सकते हैं एप्पल का आईफोन 8, बट हमारे लिए तो यार 64,000 बहुत शॉकिंग है, इतने में हम बाइक खरीद सकते हैं, काफ़ी कुछ खरीद सकते हैं। पर चलिए, एप्पल का जो है, एप्पल के फॉलोअर्स वो जरूर लीजिएगा, अच्छा फ़ोन होगा। बाकी जब ये फ़ोन लॉन्च होगा तो जो जो हमें मतलब एप्पल से उम्मीदें हैं, देखेंगे क्या सही बैठती है या नहीं। सो चलिए बढ़ते हैं अगली टेक न्यूज़ की तरफ। अगली टेक न्यूज दोस्तों जो कि आ रही है नोकिया 3 की तरफ से, माना जा रहा है कि जो ये नोकिया 3 फोन है ये अभी तक का टिकाऊ फोन है, काफी इस पे मतलब टेस्ट वगैरह एक्सपेरिमेंट किए स्क्रीन वगैरह पे, तो सही रहा है उस मामले में, टिकाऊ फोन कहा गया है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं तो इंदौर में मैंने नोकिया का ही जो नोकिया 3310 फोन आया था, नोकिया 3310, वो मैंने वहां पे देखा था मार्केट में, माना जा रहा था कि जो उसकी प्राइस थी वो थी 3310, मतलब 3310 ही उसकी प्राइस थी, पर वहां पे मिल रहा था वो 4,500 या 5,000, मतलब 1500-2000 महंगा मिल रहा था वो फोन। और जो मैंने इस पर एक्सपीरियंस किया था उस फोन का, मेरे को पता देखने में मतलब फील हुआ था कि वो काफ़ी हल्की उसकी बॉडी थी, और दुकानदार भी मेरे को ये कमेंट्स कर रहे थे कि ये फ़ोन अगर गिर गया तो इसकी कोई वो हम गारंटी देंगे कि ये टूट जाए वगैरह, पर लेकिन नोकिया 3 अभी तक का टिकाऊ माना गया है फ़ोन, तो वो आप लोगों पर है कि आप लोगों क्या किसके पास है क्या नोकिया 3 आप में से, अगर है तो मेरे को ज़रूर उसकी वीडियो या कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी तक नोकिया 3 नहीं देखा, ना ही मैंने मार्केट में देखा अभी, ना ही मेरे किसी फ्रेंड के पास अभी आया, क्योंकि नोकिया के मेरे हिसाब से अभी तो ज़्यादातर ऑनलाइन मार्केट में ज़्यादा मिल रहे हैं, तो ऑफलाइन मार्केट में कोई इतना अच्छा पता नहीं। सो चलिए बढ़ते हैं अगली टेक न्यूज़। अगली टेक न्यूज़ दोस्तों, थोड़ा मूड खराब हो गया यार, ये टेक न्यूज़ है, जो ये टेक न्यूज़ आ रही है, इंटेक्स ने एक अपना न्यू फोन लॉन्च किया है जिसका नाम होगा इंटेक्स एक्वा स्टाइल 3। इसकी जो प्राइस होगी वो होगी 4,300 रुपीज, तो वो चलो प्राइसिंग की हम रखते हैं साइड में, तो अब हम बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की। मेन बात स्पेसिफिकेशन पे होता है कि हम अगर कंपनी फोन लॉन्च करिए तो उस फोन में क्या खास है, क्या खास फीचर होगा, तो चलो देखते हैं। इसमें जो दोस्तों सबसे पहली बात होगी, 7.0 आउट ऑफ बॉक्स उसमें एंड्रॉयड नोगेट होगा। अब भैया ओरियो आने वाला है, पर लेकिन नोगेट भी दिया, गुड। प्रोसेसर की बात करते हैं, 1.3 GHz का क्वाड कोर का स्नैप ड्रम का इसमें कार्ड्स A7MP प्रोसेसर होगा, जो कि होगा या देगा 1GB रैम उसके साथ। स्नैपड्रैगन आप प्रोसेसर भी दे रहे हैं इतना पुराना, और साथ में आप इंटेक्स स्नैपड्रैगन, चलिए स्नैपड्रैगन यार, आप स्नैपड्रैगन तक कब पहुंचोगे इंटेक्स, हमें समझा दीजिएगा। अगली बात बताता हूं आपको जो इसमें मेन बात होगी, 5 इंच की FWVGA की इसमें होगी डिस्प्ले, कोई HD डिस्प्ले नहीं होगी, 5 इंच की डिस्प्ले होगी। 16 GB तक की इस फोन में दोस्तों होगी इंटरनल स्टोरेज, 64 GB तक का आप इसमें मेमोरी कार्ड
ये एक्सेप्ट करेगा। 5 मेगापिक्सल का इसमें रियर कैमरा होगा और 5 मेगापिक्सल का ही इसमें बैक कैमरा होगा। अब मेन बात यह है कि कैमरा अच्छा हो, बाकी मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा। 4G वॉल्टी सपोर्टेड फ़ोन होगा। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इंटेक्स के मामले में, इस तरह के फ़ोन में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर दिया गया है। सही बात है यार, इंडियन कंपनी से इतना कुछ एक्सपेक्ट होता है और वो इस तरह का, मतलब यार। सो चलिए दोस्तों, मूड चलो हल्का करते हैं, इन्जॉय कीजिए लाइफ को। जिस तरह मैं हमेशा बोलता हूँ, खुश रहिए, आबाद रहिए, हर मोमेंट्स को लाइफ के इन्जॉय कीजिए, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, क्योंकि अच्छा टाइम अगर नहीं रहा तो बुरा टाइम भी नहीं रहेगा। सो खुश रहिए, हैव अ गुड लाइफ, हैव अ गुड डे।